तो दोस्तों ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट का अगला पार्ट है, ठीक है। इसके आगे हमें कुछ एग्जांपल सॉल्व करना है, उससे पहले दोस्तों लॉग टेबल सीख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये लॉग टेबल का यूज़ क्या होता है। दोस्तों लॉग टेबल का यूज़ है यहाँ पर कैलकुलेशंस को सिंपल बनाने के लिए, ठीक है। आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो जो डिफिकल्ट कैलकुलेशंस होते हैं वो आपको लॉग टेबल का यूज़ करके सॉल्व करने होते हैं। जैसे कि सपोज़ दोस्तों अगर आपको यहाँ पे देखिए 4.216 × 12.42 डिवाइडेड बाय 3.42, कैलकुलेटर का यूज़ करके तो ये एक सेकंड में आप निकाल सकते हो, लेकिन एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो विदाउट कैलकुलेटर ये कैलकुलेशन करने के लिए बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए दोस्तों ऐसे टाइप के जो कैलकुलेशंस है इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग टेबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब लॉग टेबल सीख लेते हैं। तो दोस्तों ये लॉग टेबल्स होते क्या है, एक लॉग बुक मिलता है दोस्तों, देखिए एक लॉग बुक है, इसके अंदर जो है ना कुछ टेबल्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं को लॉग टेबल्स बोला जाता है। इनका यूज़ करके हम लोग ये कैलकुलेशंस, इस टाइप के कैलकुलेशंस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले सीखते हैं मल्टीप्लीकेशन, लॉग टेबल का यूज़ करके हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल है, 4.216 × 12.42, ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसको लॉग टेबल का यूज़ करके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लॉग टेबल का यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये जो पहली वैल्यू है इसका लॉग देखना है। लॉग कैसे देखते हैं थोड़ी देर के बाद हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका लॉग देखना है, 4.216 इस वैल्यू का लॉग देखना है, फिर आपको इस वैल्यू का लॉग देखना है, लॉग ऑफ 12.42, ठीक है। इसका जो लॉग है, ये वैल्यू का जो लॉग है उसको यहाँ पे लिखना है, ये वैल्यू का जो लॉग है उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन है तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करना है आपको, ठीक है। और जो ऐड की हुई वैल्यू है उसको आपको यहाँ पे लिखना है, और जो यहाँ पे वैल्यू आएगी ना उसका आपको क्या करना है, एंटी लॉग देखना है, वही होगा दोस्तों इस मल्टीप्लीकेशन का आंसर। ये प्रोसेस होती है। तो चलिए दोस्तों किसी भी वैल्यू का आप लॉग कैसे देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों कोई भी नंबर हो उसका लॉग देखने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लॉग बुक के अंदर एक लॉगरिथम नाम का टेबल है, उसको फॉलो करना है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखिए ये जो नंबर है इसका जब आपको लॉग लिखना है ना, तो यहाँ पे देना है आपको डेसिमल पॉइंट है, और डेसिमल पॉइंट के पहले लिखनी होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल पॉइंट के बाद लिखने होता है इसका मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा क्या होता है देखिए, सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है सिर्फ ये जो नंबर है इसमें जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के पीछे कितने डिजिट्स हैं आपको देखना है। अगर एक डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स जीरो होगी, उसके पिछला नंबर। अगर दो डिजिट्स हैं तो कैरेक्टरिस्टिक होगी वन। अगर तीन डिजिट्स हैं यहाँ पर तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी टू, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पीछे सिर्फ एक ही डिजिट है, तो ये जो नंबर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी दोस्तों यहाँ पे जीरो, जीरो पॉइंट से स्टार्ट होगा ये। अब कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसकी मिल गई, अब इसका मेंटिसा जो होता है ना दोस्तों, ये मेंटिसा देखने के लिए आपको क्या करना है, ये नंबर तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहले दो नंबर्स, फिर एक नंबर, फिर एक नंबर, ऐसे तीन पार्ट में डिवाइड करके लेना है। कोई भी नंबर हो, अगर उसमें चार डिजिट है तो पहले दो डिजिट, फिर वन डिजिट, फिर वन डिजिट, ऐसे तीन पार्ट में इसको डिवाइड करना है। अब लेना है दोस्तों लॉग टेबल, और इस लॉग टेबल के अंदर देखिए पहले दो नंबर्स मतलब 42 आपको यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे आपको 42 सर्च करना है। तो 42 कहाँ पे, देखिए दोस्तों यहाँ पे 42 है, ठीक है। और 42 के बाद में देखिए यहाँ पे जो नंबर है 1 उसको यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 42 है, तो ये 42 का रो, ठीक है, ये 42 का रो और 1 नंबर का जो कॉलम है ना दोस्तों, ये नंबर आपको यहाँ पे देखिए ध्यान में रखना है 6243। और जो फोर्थ नंबर है ना दोस्तों यहाँ पे, ये मेन डिफरेंस जो है ऐड करना है आपको इसका, ठीक है। जैसे कि देखिए 42 यहाँ पे, देखिए 42 कॉलम नंबर 1, 6 2 क्या हो गया यहाँ पे 4 3, और 6 नंबर का जो कॉलम है यहाँ पे देखिए, ये जो 6 नंबर का कॉलम है इसका जो मेन डिफरेंस है, कितना है मेन डिफरेंस इसी रो के अंदर, ये आपको उसमें ऐड करना है। तो 6 2 4 3 प्लस 6 कितना हुआ दोस्तों, ये 6 2 4 9 हो गया, ठीक है। तो यही होगी दोस्तों इसका मेंटिसा हो गया, ये जो वैल्यू है इसका मेंटिसा, मतलब ये वैल्यू का ये लॉग होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और इसको बोलते हैं, ये जो नंबर है इसको बोलते हैं मेंटिसा, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे प्रोसेस की, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस करके इसका लॉग लिख के लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेसिमल पॉइंट देना है यहाँ पर, और डेसिमल पॉइंट के पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है इसकी, ठीक है।
तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पीछे दो डिजिट्स है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी वन। ओके अब देखना है इसका मेंटिसा, मेंटिसा देखने के लिए 2 1 1 ऐसे डिवाइड करना होगा आपको। फिर ये जो 12 नंबर है आपको यहाँ पे सर्च करना है, ये 12 नंबर देखिए यहाँ पर है। फिर उसके बाद देखिए 4 नंबर आपको यहाँ पे सर्च करना है, तो 12 नंबर का रो 4 नंबर का यहाँ पे देखिए कॉलम 0934 है, और आगे क्या है दोस्तों यहाँ पे 2 है, तो आपको ये 2 नंबर का जो मेन डिफरेंस है 7, ये इसमें ऐड करना है। 0934 प्लस 7 कितना हो दोस्तों, 0934 प्लस 7 कितना हो, 0941 हुआ। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा 0941। अब ये दो वैल्यूज़ को ऐड करके आपको यहाँ पे लिखना है, तो एडिशन क्या होगी दोस्तों, 9 प्लस 1 10, कैरी किया हमने 1, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, कैरी किया 1, 6 प्लस 1 7, 0 प्लस 1 1। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना दोस्तों इसका आपको एंटी लॉग देखना है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो नंबर है इसका एंटी लॉक कैसे देखते हैं, देखिए एंटी लॉक देखने के लिए दोस्तों आपको देखिए पेज टर्न करना है और यहाँ पे एंटी लॉगरिथम का ये टेबल आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो नंबर कौन सा सर्च करना है दोस्तों, देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद का जो नंबर है ना उसका हमें एंटी लॉग देखना है, ये 1 का डेसिमल पॉइंट के पीछे जो नंबर है उसका क्या करना है हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हमें ये नंबर सर्च करना है, तो इस नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड करिए, पहले 2 नंबर फिर 1 नंबर फिर 1 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च करना है हमें 0.71, ये जो टेबल है देखिए यहाँ पे 0.00 0.01 ऐसे 0.71 सर्च करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 0.71 है, और दूसरा नंबर हमें यहाँ पे सर्च करना है कितना है, 9 है, तो 9 हमें यहाँ पे सर्च करना है। तो 0.71 के अंदर देखिए 9 कॉलम के अंदर जो वैल्यू है वो कितनी है, 5236, और तीसरा नंबर कौन सा है, 0, 0 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो मेन डिफरेंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो 0.71 का कॉलम नंबर 9 के अंदर 5236। ठीक है, ये पॉइंट देख के लिखना है आपको, यहाँ पे पॉइंट के बाद लिखना है ये। ठीक है, 0.52 5236 है, 5236। ओके, अब इस नंबर का क्या करना है दोस्तों, इस नंबर को क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 10 to the power जो लिखनी है ना यहाँ पे, ऐसे ऐसे ही करना है, हर बार ऐसे ही करना है। एंटी लॉग लिखते वक्त पहले ये जो चीज़ है इसका एंटी लॉग यहाँ पे लिखना है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे देना है, into 10 to the power, यहाँ पे जो पावर लिखनी है ना ये जो नंबर होगा ये इसका अगला नंबर होगा, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 3 लिखना है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 लिखना है, तो आपको जो ये मल्टीप्लीकेशन है इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब 0.5236 × 10^2, अगर 100, 10^2 मतलब क्या होता है 100, 100 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, दो डिजिट्स आगे चला जाएगा, तो ये जो फाइनल आंसर होगा यहाँ पे देखिए 52.36, अगर ये वैल्यू को 10^2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको 52.36 मिलेगा। तो यही होगा दोस्तों इसका आंसर, 52.36, ये आप कैलकुलेटर पर करके देख सकते हो आंसर इतना आ रहा है कि नहीं, कैलकुलेटर पर इसके आसपास भी आंसर आ रहा है तो करेक्ट है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे पहला एग्जांपल हमने देखा मल्टीप्लिकेशन का, एक और एग्जांपल आपके प्रैक्टिस के लिए देखते हैं हम, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है देखिए दोस्तों, 200.4 × 46.32, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों, ये जो वैल्यू है इसका आपको यहाँ पे लॉग लिखना है, लॉग ऑफ 200.4, और आपको इसका जो लॉग है वो यहाँ पे लिखना है, लॉग ऑफ 46.32। ठीक है, इन दोनों का लॉग यहाँ पे लिख के लेना है, और दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है तो वो लॉग को ऐड करना है यहाँ पर, और इन दोनों की जो एडिशन है उसको यहाँ पे लिखना है, और फाइनली ये जो नंबर है उसका आपको एंटी लॉग देखना है ताकि आपको इसका आंसर मिल सके। ठीक है, तो अब इस नंबर का दोस्तों लॉग लिखना है, तो सबसे पहले डेसिमल पॉइंट के पीछे आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखनी होगी इसकी, यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट के पीछे कितने नंबर्स हैं, 3 है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी हुई इसकी, 2 हुई। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं। ठीक है, तो हमें डेसिमल पॉइंट के पीछे जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी इसकी, 1 होगी। अब ढूंढते हैं इसका मेंटिसा, मेंटिसा ढूंढने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए, 20, 04, 46, 32। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लॉग देख रहे हैं ना आप, ठीक है, तो पेज फिर से टर्न करना है, यहाँ पे लॉगरिथम का टेबल है। ओके, तो पहला नंबर यहाँ पे सर्च करना है 20, 20 कहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 20 यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद 0 है, 20 का 0 नंबर का कॉलम ये हुआ, तो इसके अंदर वैल्यू कितनी है, 3010। ठीक है, अब दोस्तों ये जो 3010 है इसके अंदर मेन डिफरेंस 4 नंबर के कॉलम का ऐड करना होगा आपको, 4 नंबर के कॉलम के अंदर मेन डिफरेंस कितना है देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो ये 3010 + 8 क्या होगा यहाँ पे,
3018 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू का लॉग हमने यहाँ पे लिख लिया है दोस्तों। अब सर्च करते हैं इस वैल्यू का लॉग, इसकी मेंटिसा लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए 46 नंबर आपको यहाँ पे सर्च करना है। 46 नंबर कहाँ पे, देखिए 46 नंबर यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो 46 नंबर का ये रो, इसके अंदर 3 नंबर का कॉलम, 3 नंबर का कॉलम कौन सा, देखिए ये है। तो यहाँ पे 3 नंबर का कॉलम ये वैल्यू हो गई 6656, और 2 नंबर का जो मीन है उसको ऐड करना है आपको। 2 नंबर का मीन लिखना है, 2 है, इसको आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो 656 प्लस 2 क्या होगा, 6658 हो जाएगा, 6658 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि दोस्तों इन दोनों के बीच यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन है, ओके, तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये दो वैल्यूज को हमें यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो 8 + 8 क्या होगा, 16, 5 + 2 क्या होगा, 7, 6 + 0 6, 6 + 3 9, 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 3.9676 है, इसका आपको दोस्तों यहाँ पे एंटी लॉग देखना है, ठीक है। एंटी लॉग देखने के लिए डेसिमल पॉइंट के बाद का जो नंबर है दोस्तों, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए, 2 1 1, और ये पहले नंबर का क्या करना है वो हमें पता है, 10 to the power, इसके अगला नंबर लिखना है, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम 0.96 सर्च करते हैं, लेकिन एंटी लॉगरिथम का टेबल में सर्च करना है आपको, ठीक है। ये एंटी लॉगरिथम का टेबल है, ठीक है। 0.96 कहाँ पे, देखिए दोस्तों यहाँ पे 0.96 जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। 0.96 का कॉलम नंबर 7, कॉलम नंबर 7 ये है यहाँ पर, देखिए। तो यहाँ पे जो कॉलम नंबर 7 है, ठीक है, 0.96 का कॉलम नंबर 7, 9268 हो जाएगा ये, और इसके अंदर 6 नंबर का मीन डिफरेंस, ये 6 नंबर का कॉलम है, ठीक है। तो इसके अंदर 13 आपको ऐड करना है, तो 9268 + 13 9281 हो जाएगा ये, ठीक है। 9281 हो जाएगा, यहाँ पे आपको डेसिमल पॉइंट लिखना है, और मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power कौन सा नंबर लिखना है यहाँ पर, 3 के अगला नंबर कितना है, 4, ठीक है। अब अगर दोस्तों ये 0.9281 को 10^4 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो 4 डिजिट्स आगे चला जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो कितना होगा, 9281 हो जाएगा। तो ये दोनों का ये दोनों का जो आंसर है वो कितना है दोस्तों, 9281, ये फाइनल आंसर आपको मिल रहा है। कैलकुलेटर का यूज़ करके आप चेक कर सकते हो कि आंसर इसके आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, एग्जैक्ट ये आंसर नहीं भी आ रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, इसके आसपास आंसर आ रहा है तो एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन देखा है, अब देखते हैं डिवीजन कैसे करते हैं हम लोग लॉग टेबल का यूज़ करके। तो ये डिवीजन के अंदर पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, 346.3 डिवाइडेड बाय 8.721, इन दोनों का डिवीजन लॉग टेबल का यूज़ करके हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो पहला नंबर है, इस पहले नंबर का आपको यहाँ पे लॉग सर्च करके लेना है, लॉग ऑफ 346.3 इसका लॉग देखना है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, ये नंबर का लॉग सर्च करना है, लॉग ऑफ 8.721, ओके, ये लॉग आपको यहाँ पे लिखना है, ये नंबर का लॉग आपको यहाँ पे लिखना है। अब क्या करना है दोस्तों, इन दोनों के बीच डिवीजन है ना, तो डिवीजन है तो ये वैल्यू में से ये वैल्यू आपको माइनस करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है यहाँ पर, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो हम लोग ऐड करते, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो नंबर है इसका लॉग देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट के पहले 3 डिजिट्स हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी 2, ठीक है। इसका जो लॉग है वो 2 पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट के पीछे सिर्फ एक ही डिजिट है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 के पिछला नंबर कौन सा है, 0, 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों वैल्यूज का मेंटिसा क्या आता है। मेंटिसा के लिए दोस्तों 3 पार्ट में डिवाइड करिए, एक पहले 2 नंबर्स, फिर एक नंबर, फिर एक नंबर, पहले 2 नंबर, फिर एक नंबर, फिर एक नंबर, ऐसा, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये 34 आपको सर्च करना है, लेकिन टेबल कौन सा यूज़ करना है, लॉग देख रहे हैं आप, ठीक है। इस लॉगरिथम के टेबल के अंदर 34 आपको सर्च करना है, कॉलम नंबर 6, मीन डिफरेंस 3, 34 कॉलम नंबर 6, 5391, और मीन डिफरेंस 3 का ऐड करना है, कितना है, 4 है, तो 5395 हो जाएगा ये नंबर आपको जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पे, 5395। तो ये वैल्यू का लॉग हमने यहाँ पे लिख के लिया है। अब देखते हैं इसका मेंटिसा क्या आता है, ठीक है। तो 87
का कॉलम, 87 का रो, 2 नंबर का कॉलम, 1 नंबर का मेन डिफरेंस। तो 87 कहाँ पे, देखिए दोस्तों 87 यहाँ पे है, 2 नंबर का कॉलम ये यहाँ पर है 9405, और मेन डिफरेंस 1 का ऐड करना है, ये कितना है देखिए, ये 0 है, मतलब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 9405 आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब ये वैल्यू जो है, इसमें से आपको ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। तो देखिए दोस्तों, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 9 माइनस 0 9, 13 माइनस 4 9, एक इधर चला गया, 14 माइनस 9 5, और एक इधर चला जाने के बाद यहाँ पे 1 बचेगा, 1 माइनस 0 1, 1.5990। अब ये जो नंबर है, सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, इस नंबर का आपको एंटी लॉग देखना है, ठीक है, वही होगा इसका आंसर। अब दोस्तों एंटी लॉग देखने के लिए आपको क्या करना होता है कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद का जो नंबर है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है, 2 1 1, और एंटी लॉगरिथम का टेबल आपको यूज़ करना है, पिछला टेबल यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.59 सर्च करिए, 0.59 आपको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। कॉलम नंबर 9 कहाँ है देखिए, कॉलम नंबर 9 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये वैल्यू है 3972, और मीन डिफरेंस 0, 0 नंबर का कॉलम नहीं है, तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे 3972 मिल रहा है आपको, तो डेसिमल पॉइंट के साथ ये 3972 लिखना है, into 10 to the power क्या होगी दोस्तों, इसका अगला नंबर लिखना है, ये जो डेसिमल पॉइंट के पहले नंबर है उसका अगला नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। अब अगर दोस्तों ये 0.3972 को आप 10^2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये डेसिमल पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट्स, तो जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 39.72, इन दोनों का डिवीजन का जो आंसर है वो कितना है दोस्तों, 39.72, ठीक है। डिवीजन का पार्ट और अच्छे से समझने के लिए दोस्तों एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 क्या है देखिए दोस्तों, 1.373 डिवाइडेड बाय 3.84, इन दोनों का डिवीजन लॉग टेबल का यूज़ करके कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर है इसका लॉग देखना है, लॉग ऑफ 1.373, और फिर आपको क्या करना है दोस्तों, इसका लॉग देखना है, लॉग ऑफ 3.84, ठीक है। ये आपको यहाँ पे लिखना है, इसका लॉग यहाँ पे लिखना है, और फिर आपको क्या करना है दोस्तों, फिर ये नंबर में से ये नंबर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन है, और जो नंबर आएगा उसका फाइनली आपको एंटी लॉग देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर है इसका लॉग लिखने के लिए डेसिमल पॉइंट के पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, डेसिमल पॉइंट के पीछे एक ही डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक होगी इसकी 0। यहाँ पे देखिए, डेसिमल पॉइंट के पीछे एक ही नंबर है, तो इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक होगी 0। अब सर्च करते हैं इसका मेंटिस आके क्या होगा, उसके लिए ये जो नंबर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए, 2 1 1, 13 का कॉलम नंबर 7, मीन डिफरेंस 3, तो लॉग देख रहे हैं, तो ये यूज़ करना है आपको, 13 रो कॉलम नंबर 7, 1367, और मीन डिफरेंस 3 का ऐड करना है, कितना है 10 है यहाँ पर, तो 1367 + 10, 1377 क्या होगा यहाँ पे, 1377। अब इसका मेंटिसा सर्च करने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड करिए, 2 1, आगे कुछ नहीं है तो 0 एज्यूम करना है, ठीक है, ओके। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 38 नंबर सर्च करना है, 38 नंबर यहाँ पर है देखिए, ये 38 नंबर यहाँ पर है दोस्तों, और कॉलम नंबर 4, मीन डिफरेंस है ही नहीं यहाँ पर, कॉलम नंबर 4 ये है, ठीक है, 38 का कॉलम नंबर 4, 5843, ठीक है, ये यहाँ पे मिला आपको 5843। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू में से ये वैल्यू आपको माइनस करना है, ठीक है। तो 7 माइनस 3 क्या होगा यहाँ पे, 4, 7 माइनस 4 क्या होगा दोस्तों, 3, 3 में से 8 नहीं जाता, एक उधर कैरी करेंगे, ठीक है, 13 में से 8 गया यहाँ पर देखिए, 5 बचा, ओके, यहाँ पे 0 बचेगा ना, एक उधर जाने के बाद यहाँ पे 0, ठीक है। तो एक इधर से लेंगे हम, 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 कितना होता है, 5, डेसिमल पॉइंट आया यहाँ पर। अब यहाँ से एक उधर, 0 में से एक उधर चला गया, तो इधर कितना बचेगा, -1, -1 को हम बार 1 लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बार 1 -0 कितना होता है, बार 1 मिलेगा आपको यहाँ पर। तो ये जो है, इन दोनों वैल्यू को, ये वैल्यू में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको ये नंबर मिला हुआ है, अब इसका एंटी लॉग देखना है हमें, बार 1 का मतलब है -1। अब इसका एंटी लॉग देखने के लिए क्या करना है दोस्तों, डेसिमल पॉइंट के बाद का जो नंबर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए, 0.55, 3 कॉलम नंबर 3, मेन डिफरेंस 4, एंटी लॉगरिथम का आपको टेबल यूज़ करना है, 0.55 सर्च करना है दोस्तों, 0.55 है यहाँ पर, कॉलम नंबर है 3 यहाँ पर,
और मीन डिफरेंस 4 का ऐड करना है आपको, कितना है 3, तो 3577, 3573 प्लस 3 क्या हुआ, 3576 हो जाएगा। तो ये डेसिमल पॉइंट के साथ आपको 3576 लिखना है इनटू 10 टू द पावर। यहाँ पे जो नंबर लिखना है वो इसके अगला नंबर होगा, यहाँ पे माइनस वन है, माइनस वन मतलब क्या, माइनस वन के अगला नंबर क्या होता है, जीरो। तो 10 टू द पावर 0 होगी यहाँ पर। एनीथिंग रेस्ट टू जीरो क्या होता है, वन। 10 टू द पावर 0 क्या होता है दोस्तों, वन होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। 10 टू द पावर 1 10 होता है, 10 टू द पावर 2 होता है 100, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 10 टू द पावर 0 क्या होता है, वन। तो यहाँ पे दोस्तों वन से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर को, तो इस नंबर पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फाइनल जो आंसर है वो आपको 0.3576 ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0.3576। इन दोनों का जो डिवीजन है वो आपको यहाँ पे देखिए 0.3576 ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों और कुछ कैलकुलेशंस हम यहाँ पे लॉग टेबल का यूज़ करके सॉल्व करते हैं, ताकि आपको अगले जो एग्जांपल्स हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें उसको सॉल्व करने में आसानी हो। तो अगर दोस्तों ऐसा एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल को लॉग टेबल का यूज़ करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसका लॉग देखना है आपको। यहाँ पर क्या करना है, ये जो नंबर है इसका लॉग देखना है, लॉग ऑफ 200.4, इस नंबर का आपको लॉग देखना है, यहाँ पे लिखना है उसको। फिर इसका लॉग देखना है, लॉग ऑफ 46.32, और उसको आपको लिखना है यहाँ पर। अब इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे ऐड करना है आपको, ठीक है। और ऐड करने के बाद जो यहाँ पे नंबर होगा ना, अब डायरेक्टली उसका एंटी लॉग नहीं देखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में और ये बाकी है, ठीक है। अब ये जो नंबर आने आने वाला है ना, वो होगा इन दोनों का लॉग, ओके। अब ये नंबर में से आपको क्या करना है दोस्तों, इसका जो लॉग है ना वो माइनस करना है, यहाँ पर माइनस लॉग ऑफ 8.721, ये जो नंबर आने वाला है ना उसमें से आपको इसका लॉग माइनस करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, डिवीजन का है। तो इसका जो लॉग है उसमें से इसका लॉग माइनस करना है आपको, ठीक है। उसको यहाँ इसका लॉग यहाँ पर लिखेंगे, ये वैल्यू में से ये वैल्यू को माइनस करेंगे, और फाइनल जो आंसर यहाँ पर आएगा उसका एंटी लॉग देखेंगे, तो आपको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी इन वैल्यूज़ का लॉग हमने पिछले कुछ एग्जांपल्स में हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो 200.4 का लॉग कितना है दोस्तों, 2.3018 है, ठीक है। 46.32 का लॉग क्या है, 1.6658 है। इन दोनों की एडिशन भी हमने लास्ट एग्जांपल में की है, ठीक है। यह आ रही है 3.9676, ओके। अब ये नंबर में से आपको इसका लॉग माइनस करना है, इसका लॉग भी अभी अभी हमने देखा हुआ है कितना है दोस्तों, देखिए इसका लॉग है 0.9405। तो ये नंबर में से आपको क्या करना है, ये नंबर माइनस करना है। इसमें से अगर आप ये माइनस करते हो तो 6 माइनस 5 कितना होगा, 1, 7 माइनस 0 7, 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 0 3, ठीक है। अब ये जो नंबर है इसका एंटी लॉग देखना है। एंटी लॉग देखने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, देखिए एंटी लॉगरिथम का टेबल यूज़ करोगे। डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है, 0 2 है, कॉलम नंबर 7, मीन डिफरेंस 1 का देखना है आपको। तो 0.02 कॉलम नंबर 7 ये वैल्यू आ गई, और मीन डिफरेंस कौन सा है दोस्तों, 1 का ऐड करना है आपको, 1 का मीन डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं। तो 1064 इसका जो लॉग है, एंटी लॉग जो है वो कितना है, 1064। यहाँ पे आपको डेसिमल पॉइंट देना होता है, और 10 टू द पावर यहाँ पे कुछ तो लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 टू द पावर जो लिखते हो, तो इसका अगला नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। तो अगर ये 0.1064 को अगर आप 10^4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको क्या आंसर मिलने वाला है, ये डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट्स आगे चला जाएगा ना, ठीक है। तो आपको 1064 मिलेगा यहाँ पर। तो ये जो है इसका जो फाइनल आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है, वो मिल रहा है दोस्तों 1064, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। सपोज अगर यही एग्जांपल ऐसे होता, 200.4 × 46.32 डिवाइडेड बाय 8.721, इसका अगर यहाँ पे स्क्वायर होता, तो ये कैलकुलेशन कैसे करते दोस्तों, तो उसको अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो कोई भी नंबर हो दोस्तों, अगर उसका स्क्वायर है, उसका क्यूब है, या कोई भी अगर दूसरी पावर है, तो उसका लॉग कैसे देखते हैं, उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी होगी दोस्तों। देखिए लॉग ऑफ एम रेस टू एन, इसका लॉग क्या होता है, इसका लॉग होता है दोस्तों एन इंटू लॉग ऑफ एम, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि सपोज आपको इस नंबर का लॉग देखना है, लॉग ऑफ 8.721 का स्क्वायर, तो ये फॉर्म में है ना, ये लॉग ऑफ एम रेस टू एन। तो
इसका लॉग अगर आपको देखना है तो आपको क्या करना है, ये पावर यहाँ पे लिखना है 2 इंटू लॉग ऑफ 8.721, मतलब ये नंबर का लॉग हमें देखना है जैसे हम हमेशा देखते हैं, और उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका लॉग आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों पहले तो इस नंबर का लॉग लिखना है, यहाँ पर लॉग ऑफ क्या होगा 200.4 लिखना है, ठीक है, इसका लॉग आपको यहाँ पे लिखना है, फिर इसका लॉग आपको लिखना है दोस्तों लॉग ऑफ 46.32। ओके, इन दोनों को आपको क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को आपको ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ऐड करके जो नंबर आएगा, ऑलरेडी एडिशन हमने करी हुई है, तो ये जो नंबर है देखिए दोस्तों इसमें से आपको क्या करना है, इसका लॉग माइनस करना है, ठीक है, किसका लॉग, देखिए आपको माइनस करना है किसका लॉग, लॉग ऑफ 8.721 का स्क्वायर, इसका लॉग आपको माइनस करना है। तो इसका लॉग देखना कैसे है दोस्तों, इसका लॉग कैसे देखना है आपको, सिंपली आपको इस नंबर का लॉग देखना है, उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ओके, तो इसका लॉग ऑलरेडी हमने देखा हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है इसका लॉग है हमारे पास 0.9405, ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इसका लॉग जो है इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू क्या होगा यहाँ पे 0.9405, 0.9405, और ये मल्टीप्लिकेशन को आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2 5 10, कैरी किया 1, 2 0 0, 1 आया ऊपर का, ठीक है, 2 4 8, 2 9 18, एक कैरी किया हमने 2 0 0, ठीक है, तो ये नंबर किसका लॉग है दोस्तों, ये नंबर जो है वो इसका लॉग है, लेकिन अगर इसका स्क्वायर है तो इस चीज़ का लॉग है ये, ठीक है, उसको सिंपली इस पावर से मल्टीप्लाई करना होता है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब क्या करना है दोस्तों आपको, ये जो नंबर है इसमें से आपको ये माइनस करना है, इसका लॉग माइनस इसका लॉग, इसका लॉग हमें यहाँ पे पता है, माइनस इसका लॉग हमें यहाँ पे पता है, तो ये नंबर में से ये नंबर माइनस करेंगे और फाइनली उसका फिर एंटी लॉग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 माइनस 0 क्या होगा 6, 7 माइनस 1 6, 16 माइनस 8 8, ओके, एक उधर चला गया, 8 माइनस 8 0, 3 माइनस 1 2, इसका हमें क्या करना है दोस्तों, एंटी लॉग देखना है। एंटी लॉग देखने के लिए डेसिमल पॉइंट के बाद का जो नंबर है 3 पार्ट में डिवाइड करिए, 0 8 कॉलम नंबर 6 मेन डिफरेंस 6 का, 0 8 कहाँ पर है देखिए दोस्तों, 0 8 यहाँ पर है कॉलम नंबर 6, ये वैल्यू मेन डिफरेंस 2 ऐड करना है, तो 1 2 2 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 2 2 1 डेसिमल पॉइंट आएगा यहाँ पे, इंटू 10 टू द पावर, ये जो नंबर है उसका अगला नंबर यहाँ पे लिखना है, 2 के अगला नंबर होता है 3, अब ये 0.1221 इंटू 10 रेस टू 3 क्या होता है दोस्तों, इंटू 10 रेस टू 3 क्या होता है, ये डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट्स आगे चला जाएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे 122.1 मिलेगा आपको फाइनल आंसर, इसका जो फाइनल आंसर है वो आपको यहाँ पे 122.1 मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगले कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए इतना ही लॉग टेबल सीखना ज़रूरी था, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अगली वीडियो में इसका अगला एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।